हेलो भैया, मैं शाम रहा। जैसे कि आप फ्रेम में देख पा रहे हो, आज हमारे पास है टाटा पंच ईवी। अब टाटा जो पंच को बहुत अच्छे अच्छे वेरिएंट्स में ऑफर कर रहा है, जैसे कि ट्विन सिलेंडर सीएनजी में ऑफर करा, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक में ऑफर कर दिया। डेफिनेटली पंच के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऐड ऑन हो जाता है। पहले पंच की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती थी जब ये हैचबैक सेगमेंट में देखने को मिलती थी, जब ओनली पेट्रोल ऑप्शन था। जब से टाटा ने इसमें सीएनजी वेरिएंट और इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च करा है, तो डेफिनेटली इसकी सेल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कौन सा वेरिएंट है। अब ये जो वेरिएंट है, बेसिक ऊपर का मॉडल हमें देखने को मिलता है, स्मार्ट से एक ऊपर का वेरिएंट देखने को मिलता है, एडवेंचर वेरिएंट है। एडवेंचर वेरिएंट में क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी क्या क्या प्राइसिंग है, मैं सब आपको अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले गाड़ी के लुक्स की बात कर लेते हैं। लुक्स नॉर्मल पंच जैसे ही हमें देखने को मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, बस थोड़े से आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, वो है फ्रंट प्रोफाइल में। एक जो कनेक्टेड लाइट वाला ट्रीटमेंट टाटा ने ऑफर कर दिया, इसके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड उसके साथ आपको इसमें जैसे नेक्सॉन का एलईडी सेटअप है, सिमिलरली आपको इसके अंदर भी एलईडी सेटअप देखने को मिल रहा है, जैसे सिमिलर जैसे नेक्सॉन में देखने को मिलता है। एंड जो नॉर्मल पंच से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो फ्रंट फेशिया का देखने को मिलेगा। अब ये जो एरिया है, ये पूरा ग्रिल में ही हमें इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली फ्रंट से बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक कर दिया, और जो कनेक्टेड लाइट वाला ट्रीटमेंट टाटा अपनी कार्स में ऑफर कर रहा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी लुक गाड़ियों को ऑफर कर रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है, जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे जो रेडिएटर के लिए इतना एयर गैप देखने को नहीं मिलता, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो एयर गैप। हो सकता है कोई रीज़न हो इसके पीछे, तो वो भी है। उसके बाद गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड प्रोफाइल में जैसे कि ये बेस एक ऊपर का वेरिएंट है, तो इसमें आपको स्टाइल सीलिंग्स देखने को मिलते हैं। एंड आपको अलॉय व्हील्स जो है इसके नेक्स्ट वेरिएंट से आपको इसके अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये इसका टायर साइज आप देख सकते हैं, 185/70 R15 का आपको टायर साइज देखने को मिलता है इसके अंदर। एंड डेफिनेटली जो स्टाइल सील रिम्स है, इनसे लुक्स तो डेफिनेटली गाड़ी की अच्छी आई गई है। और साइड प्रोफाइल बात करेंगे तो नॉर्मल पंच जैसी है, कुछ खास हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, बस यहाँ पे एक ईवी की बाइजिंग का डिफरेंस है, और कोई ऐसे हमें गाड़ी में डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एंड ये वाला जो मॉडल है ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिल रहा है। प्राइसिंग मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ, जो एडवेंचर वेरिएंट है, एडवेंचर वेरिएंट में आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक विदाउट सनरूफ एंड विद सनरूफ। जैसे टाटा, ये इंडियन कस्टमर्स का जो पेन पॉइंट है, जिन्हें सनरूफ बहुत पसंद है, वो चीज़ पहचान चुका है, तो टाटा बहुत स्मार्टली अपनी गाड़ियों में ये चीज़ ऑफर करता है। तो जो एक बेस से ऊपर वेरिएंट है, उसमें सनरूफ भी ऑफर कर देता है, विदाउट सनरूफ भी टाटा ऑफर करता है। डेफिनेटली वो तो एक बहुत अच्छा स्मार्ट मूव है टाटा की तरफ से। तो अगर आप इसका सनरूफ वाला वेरिएंट लेंगे, जो ये वेरिएंट है पर्टिकुलरली, तो 12.5 लाख एक्सशोरूम के अराउंड आपको देखने को मिलता है। एंड जो अगर आप इसे विदाउट सनरूफ ऑप्ट करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 12 लाख का देखने को मिलता है ये वाला वेरिएंट। एंड लुक्स की बात करेंगे, ओवरऑल रियर से तो बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिलते हैं जैसे नॉर्मल पंच है, बस यहाँ पे आपको लोगो में थोड़ी सी एल्यूमिनेशन का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, रियर पार्किंग कैमरा जैसे नॉर्मल पंच में देखने को मिलता है यही मिलता है। एंड ईवी की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलती है। एंड रियर से एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अभी भी यहाँ पे आपको दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए थे, जो गाड़ी को ड्राइव करने में थोड़ा ईजी कर देते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलता है इस वेरिएंट से, यानी कि कीलेस एंट्री का आपको इस वेरिएंट से ही सपोर्ट देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब थोड़ी गाड़ी के पावर स्पेक्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि पंच ईवी आपको देखने को मिलती है, जो इसमें पावर स्पेक्स देखने को मिलती है, वो जो टियागो ईवी का जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, उतनी उस इसमें आपको पावर स्पेक्स देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप इसकी जो बेस रेंज शुरू होती है, वो है 315 किलोमीटर से इसकी बेस रेंज शुरू होती है। एंड अगर बात करेंगे इसमें आपको जो पावर स्पेक्स देखने को मिलती है, 83 BHP की पावर देखने मिलती है एंड 114 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। अगर आप इसका डिफरेंट लॉन्ग रेंज वेरिएंट लेंगे, जिसमें आपको ज्यादा पावर देखने को मिलती है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलती है अराउंड 114 BHP की पावर देखने को मिलती है एंड 113 BHP की पावर देखने को मिलती है एंड 190 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। एंड जिसका अपर वेरिएंट है, उसमें आपको एक सीक्रेट फीचर भी देखने को मिलता है, जो बोनट के अंदर आपको एक हिडन स्पेस देखने को मिलती है, वो इसके अपर वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलती है। तो अब गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं, तो नॉर्मल जैसे ग्रे फिनिशिंग टाटा पंच में देखने को मिलती है, उसी टाइप की आपको ग्रे फिनिशिंग देखने को मिलती है। इस बार सनरूफ पे ये कुछ टाटा ने यूनिक डिजाइनिंग करी है सनरूफ के क्लॉथ के ऊपर, तो ये भी थोड़ी अच्छी अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पे अंदर से आपको ब्लैक और ग्रे फिनिशिंग का इंटीरियर देखने को मिलेगा। सीट्स भी आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग में देखने को मिल रही है। अगर आप सीट कवर्स नहीं भी ऑप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली इनकी लुक्स अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको 6 एयरबैग का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में 2 देखने को मिलते हैं, सीट्स में 2, और उसके बाद पिलर्स में भी आपको एयरबैग देखने को मिलता है। तो एडिशनल सेफ्टी एड ऑन कर देता है बेस मॉडल से, इसमें आपको 6 एयरबैग देखने को मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट का नया नॉर्म है। उसके बाद लॉक की बात करेंगे, तो अगर चेक करना चाहेंगे तो टाटा ये वाली चीज़, हालांकि सेफ्टी पे बहुत फोकस करता है, जो पिछली पंच में प्रॉब्लम थी कि लॉक गाड़ी का एकदम चलते चलते भी खुल जाता था, तो ये चीज़ मैं चेक करूंगा जब गाड़ी का मैं ड्राइव रिव्यू बनाऊंगा, कि अभी भी चलते चलते खुल रहा है या नहीं, ये चीज़ मैं अभी भी चेक करूंगा।
हूँ कि पिछली पंच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं नॉल है तो एकदम ऐसे खुल जाता है इवन रियर डोर का भी। तो ये चीज़ तो मैं इसकी चेक करूँगा कि टाटा ने सुधारी है नहीं सुधारी है। एंड ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी हमें कैसे देखने को मिलती है, एंड जो बात करते हैं जो इंटीरियर से आपको फील देखने को मिलती है थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है नॉर्मल पंच से। नॉर्मल पंच में थोड़ी नॉर्मल फील देखने को मिलती है एंड इसमें थोड़ी फ्यूचरिस्टिक फील देखने को मिलती है। जैसे स्टेयरिंग व्हील आपको एल्यूमिनेटेड देखने को मिलता है, डेफिनेटली एक और अच्छा टच एड ऑन हो जाता है। उसके साथ रेंज देख पा रहे हो कि अभी जो गाड़ी रेंज दिखा रही है, जैसे कि अभी नॉर्मल मोड लगा हुआ है तो 208 किलोमीटर की गाड़ी रेंज दिखा रही है, पर अगर इसको मैं स्पोर्ट्स मोड कर देता हूँ तो गाड़ी की रेंज 10 किलोमीटर से गिर गई है। अब मैं इसको नॉर्मल न्यूट्रल कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे रेंज इसकी वापसी से इंक्रीज हो गया, तो रेंज का डिफरेंस तो देखने को मिलता है। एंड रीजनरेशन लेवल कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं जिससे आप रीजनरेशन लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे रीजन बिल्कुल कम था, अब रीजनरेशन लेवल मैंने बढ़ा दिया तो रीजनरेशन कंट्रोल करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल का इस वेरिएंट से आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, पर यहाँ पे आपको नॉर्मल डे नाइट आर वी एम देखने को मिल रहा है। टाटा को इवन जो सनरूफ वाले वेरिएंट है उसमें ये चीज़ करना चाहिए, एक डे नाइट आर वी एम की जगह ऑटोमेटिक आर वी एम एक चीज़ बढ़ा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। स्टेयरिंग आपको नॉर्मल फिनिशिंग में देखने को मिलता है, कोई लेदर रैपिंग देखने को नहीं मिलती। साउंड सेटअप की बात करेंगे आपको हरमन का देखने को मिल रहा है, हरमन का जैसे टाटा की और कार्स में भी देखने को मिलता है, अच्छा सेटअप रहता है। एंड वायर्ड एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, डेफिनेटली वो चीज़ भी स्मूथली वर्क करती है। एंड वॉट 3 वर्ड का फीचर भी देखने को मिलता है जो स्पेसिफिकली नेविगेशन में आपको हेल्प करता है, एंड टाटा की कार्स में ही देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल अगर इंटीरियर की बात करेंगे नॉर्मल पंच जैसा देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ गाड़ी के अंदर डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। ग्लोब बॉक्स जैसे स्पेशियस है, पर यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करूँगा, यहाँ पे टाटा ने कॉस्ट कटिंग कर दी। मतलब अगर ईवी सेगमेंट की गाड़ी है तो ये अराउंड आपको 14 लाख के अराउंड ऑन रोड पड़ेगी अगर ये एस वेरिएंट है, तो यहाँ पे एक सिगरेट लाइट रिपोर्ट ना होना तो ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग, ये चीज़ मुझे गलत लगी। मतलब आपने गाड़ी में सनरूफ ऑफर कर दिया उसके बाद आप इस चीज़ में कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ सही नहीं लगती है। और एक चीज़ और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नेक्सॉन और पंच में डिफरेंस देखने को मिलता है, अब वो ये डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि अब मैं अगर गाड़ी में रियर जाके आपको बैठ के दिखाऊंगा, अगर आप लोग ए लेने का प्लान कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 14.5 लाख के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। पर एक जो आपको डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा वो ये है, अब जो आप नेक्सॉन अगर लेते हैं, हालांकि ये गाड़ी भी अच्छी स्पेशियस है, पर जब आप अगर आप नेक्सॉन लेते हैं थोड़े से बजट बढ़ा के, क्योंकि नेक्सॉन बेस वेरिएंट से यही आपको रेंज एंड पावर स्पेक्स ऑफर करती है नेक्सॉन के अंदर, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं पावर थोड़ी उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये वाली गाड़ी 13.5 सेकंड लेती है 0-100 में, वेरियस नेक्सॉन का अगर आप बेस मॉडल लोगे तो वो 11 सेकंड में 0-100 करता है। और उसके बाद अगर आप स्पेस देखोगे प्रैक्टिकली, डेफिनेटली अगर आप पीछे वाला अगले वाला बंदा थोड़ी सी पीछे करके गाड़ी चलाना चाहे तो पीछे बहुत कम स्पेस बचता है। एंड हेडरूम की भी बात करूँगा, टाटा ने यहाँ पे स्कूप डाउन डिजाइन दे रखा है पर उसके बाद भी इतना एम्पल हेडरूम देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउनसाइड लगता है गाड़ी का, जो आपको रियर सीटिंग स्पेस में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर मेरे को पर्सनली इस गाड़ी को स्पेंड करना होता या तो मैं टियागो पे चला जाता, या फिर जैसे कि आप देख पा रहे हो टियागो ईवी भी है, या तो मैं टियागो ईवी पे चला जाता अगर मेरा बजट कम होता। अगर मैं बजट इंक्रीज करता मैं डेफिनेटली नेक्सॉन ईवी को ऑप्ट करता, नहीं तो मैं पंच का सिर्फ बेस मॉडल लेता क्योंकि वही वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। इसके बाद अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से आपको 2-3 लाख बढ़ा के आपको नेक्सॉन पे जाना चाहिए, क्योंकि जो ओवरऑल गाड़ी का नेक्सॉन का पैकेज देखने को मिलता है सीटिंग स्पेस एंड ऑल, अगर हर चीज़ को कंपेयर करी जाए नेक्सॉन फार सुपीरियर प्रोडक्ट मुझे पर्सनली लगता है। भाई यही था एक छोटा सा वॉकराउंड जिसमें मैंने आपको टाटा पंच के जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, एडवेंचर वेरिएंट है, और ये एडवेंचर एस वेरिएंट है जिसमें आपको सनरूफ का सपोर्ट देखने को मिलता है, मैंने आपको पूरा डिटेल्ड वॉकराउंड दे दिया। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एज ऑलवेज एंड सबके साथ सबका टाटा बाय बाय सिया।